हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीएच कर्व को देखेंगे। बीएच कर्व को मैग्नेटाइजेशन कर्व भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वाई एक्सिस पे बी जो फ्लक्स डेंसिटी है उसको शो किया गया है, और फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है कि कितना फ्लक्स डेंस है मैग्नेटिक मटेरियल में, वो कहलाता है फ्लक्स डेंसिटी। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे बी को शो किया गया है, और अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैग्नेटाइजेशन फोर्स है, जो कि मैग्नेट को हम मैग्नेटिक मटेरियल को देते हैं ताकि वो मैग्नेटाइज हो और उसमें फ्लक्स डेंसिटी डेवलप हो। तो यहाँ पे बी और एच का मतलब समझ गए आप। अब देखिए, हम यहाँ पे आगे देखते हैं, जीरो से लेकर ए तक ये जो कर्व है देखिए नॉन लीनियर है, और यहाँ पर ये दिख रहा है कि अपन ने ज्यादा मैग्नेटाइजेशन फोर्स दिया उसके कंपैरिजन में कम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक मटेरियल में डेवलप हुई। इसका मीनिंग ये है कि इनिशियली जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसके डोमेन मिसअलाइन है, और उसको अलाइन करने के लिए ज्यादा मैग्नेटाइजेशन फोर्स लगता है, और उसके बाद यहाँ पर ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाता है। इसके बाद ए से बी तक देखिए, ए से बी तक ये जो कर्व है ये लीनियर है, यानी कि अब आपका जैसे ही मैग्नेटिक डोमेन अलाइन हो गए, अब आपका प्रोपोर्शनेट अमाउंट में जैसे ही मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स आप देते जाएंगे, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे प्रोपोर्शनेट अमाउंट में डेवलप होती जाएगी, यानी कि मैग्नेट मैग्नेटाइज होती जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर बी पॉइंट की बात करते हैं, तो बी पॉइंट पर हमारा क्या हुआ, हमने मैग्नेटाइजेशन फोर्स दिया और यहाँ तक आप देखिए, अब ये जल्दी जल्दी मैग्नेटाइज होने लगा क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा हो रही है देखिए। और बी पॉइंट के बाद आप फर्दर कितना भी मैग्नेटाइजेशन फोर्स देंगे तो आपका ये मैग्नेट मैग्नेटाइज नहीं होगी, क्योंकि बी पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट है और मैग्नेट में आपका जो पूरा अलाइनमेंट हो चुका है और पूरी मैग्नेटाइज हो गई है, फर्दर उसमें मैग्नेटाइजेशन होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए इसके बाद अगर आप कितना भी मैग्नेटाइजेशन फोर्स देंगे, अब ये सैचुरेट हो गई है और इसमें फ्लक्स डेंसिटी कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे हिस्टेरेसिस लूप जो बीएच कर्व का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है अगर आपको वो देखना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।